हेलो फैमिली, चलिए आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। और पिछली दो सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं हमने, जिसमें हमने पॉलिटी का सेक्शन कवर किया था। ये है पार्ट नंबर 3। तो भाई, अब ऐसा है कि आज हमने सोचा कि कुछ मोनोटोनी को ब्रेक करते हैं। पॉलिटी पढ़ने वालों, अब थोड़ा साइंस पे आ जाओ, ठीक है? ये है हमारे एप्लीकेशन का नाम, जो आप प्ले स्टोर पे जाके इजीली ढूंढ सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन होता है अगर आप लोगों को, तो ये दिए हुए हैं दो नंबर्स, इस पे आप आराम से कॉल कर लीजिए। अगर आपके कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई एग्जाम में बैठने जा रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जिसमें हम विटामिन वाला जो है वो सेक्शन कवर करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा खाद्य समूह विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत है? देखो, बी, विटामिन बी जो होता है ना, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अपने साथ वो कुल 8, बी के भी 8 पार्ट ये होता है, समझ रहे हो? 1, 2, 3, 5, फिर 7, फिर 9 एंड 12, ठीक है? तो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी कमी से ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आप सोच नहीं सकते। अच्छा, अब विटामिन के बारे में क्या है ना, कि एक बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। भले ही आपको एग्जाम देने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आप साइंस का बैकग्राउंड रखते थे या नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर आप चाहते हो रहना, तो आपको बेसिक नॉलेज विटामिन की होनी चाहिए। चलिए जी, अब लेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि खाद्य समूह जो B12 का समृद्ध स्रोत है, B12 जिसको कि हम साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम है। सबसे अच्छा स्रोत जो वेजिटेरियन, जो वीगन लोग हैं, उनको थोड़ा सा दुख होगा कि दूध और मांस उत्पाद जो है इसका सबसे अच्छा सोर्स है। जो लोग ज्यादा मीट और पोल्ट्री वाला और ये आपका डेयरी प्रोडक्ट्स पे रहते हैं, उनको B12 सबसे ज्यादा मिलता है। अब मैम, अब हम तो नॉन वेजिटेरियन खाते नहीं है, आपने कहा कि नॉन वेज से मिलता है, यकृत से मिलता है, लिवर से मिलता है, अब मैम क्या करें? तो भाई, वेजिटेरियन वालों के पास एक ऑप्शन होता है वॉलनट, अखरोट, ठीक है? उससे भी सस्ता अगर ऑप्शन मैं बताऊं तो आप बादाम पे जा सकते हो। विटामिन B12 के लिए सफेद तिल होती है, आप उसका कंज्यूमशन कर सकते हो। और भी कुछ लिस्ट निकाल लो जिसमें विटामिन B12 भर भर के हो, और जो वेज हो, जो वेजिटेरियन, ठीक है? तो जरूर खाइए, क्योंकि ये जो है, इसके बगैर आपका मतलब आप जीवन सत्यानाश हो जाएगा अगर विटामिन बी का कोई भी कंपोनेंट कम होता है आपकी बॉडी से। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो हाँ, दो तरह के विटामिन है, एक जो वसा में घुलनशील है फैट में, एक जो पानी में घुलनशील है। तो ध्यान रखिएगा, बी और सी सिर्फ ये दो विटामिन हैं जो पानी में घुल सकते हैं, बाकी जितने हैं ए डी ई के, रट लीजिए, ये चारों के चारों आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। आप इनको पानी में घुलने की कोशिश करोगे, नहीं घुलेंगे, लेकिन बी और सी ऐसे हैं जो पानी में ही घुलेंगे, ठीक? डन। चलिए, थर्ड नंबर क्या कहता है, कौन सा विटामिन लौह अवशोषण को प्रभावित करता है? यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कम हो जाए अगर, तो आपको आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी। आयरन जो है वो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करेगी, आपको एनीमिया हो जाएगा। ये आयरन वही है जो जिससे एनीमिया हो जाता है। तो इसके लिए देखिए, एक विटामिन जो कहते हैं खट्टे फल का हो, बहुत सारा विटामिन सी मिलेगा, तो वही विटामिन सी है जो आपके आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है? बहुत ही सस्ता और अच्छा सोर्स है इसका, जितना हो सके नींबू पानी, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हाँ, एक गिलास दिन में खट्टे फल, जितने भी संतरा है और आंवला है, ये सब विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अगर आप ये खाते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी और आपको ये एनीमिया वगैरह का कोई झंझट आपको होगा नहीं। महिलाएं विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज्यादा एनीमिया महिलाओं को ही शिकायत होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है? वृक्क बोले तो किडनी, किडनी में बनने वाला, देखिए एक ही विटामिन है जो अवशोषित होता है, फिर एज अ हॉर्मोन ये बदल जाता है, दिख रहा होगा आपको, विटामिन डी, ठीक है? विटामिन डी जो होता है, जिसको कहते हैं आप हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है, ये बेसिकली किडनी में बनता है। आया हुआ क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मारिएगा मत, बिल्कुल भी मत मारिएगा इग्नोर इसको, ठीक है? पांचवा क्वेश्चन पे हम हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब हम बी के सारे घटक को एक साथ लेते हैं ना, 1, 2, 3, 4, जितने भी हैं, 3, 5, 6, 7, 8, और 8 तो है नहीं, सॉरी, 9 और 12, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। हम ये नहीं कहते कि भैया B1 दे देना, भैया B2 दे देना, जब हम
गोलियां लेने जाते हैं बाजार में, ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स की एक दवा आती है जिसमें बी के आपको सारे घटक मिल जाएंगे, बी का सूल, शायद बहुत से लोग नाम सुने होंगे, खाते भी होंगे। 8 कंपोनेंट होते हैं। अब बहुत से लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, उनको पता है कि लास्ट वाला B12 होता है, सॉरी मेरा बी थोड़ा बिगड़ गया, सबको पता है कि लास्ट वाला B12 होता है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई B12 होता है तो 12 मार के चले आते हैं अपन, बी कॉम्प्लेक्स में 12 घटक हो जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, बीच बीच के कुछ खाली है ना, जैसे 2 नहीं है और 4 नहीं है, इसी तरह 8 नहीं है, इस तरह से, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 8 कंपोनेंट है बी के, ठीक है। चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? देखिए, कैल्शियम का अवशोषण कम होना मतलब आप समझ रहे हैं, कैल्शियम हड्डी से रिलेटेड है, हड्डी के लिए विटामिन डी, तो एक तरह से विटामिन डी ही जरूरी है। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो आप जितना मर्जी चाहे कैल्शियम ले लीजिए, दूध दही पनीर खा लीजिए, अगर विटामिन डी कम है तो आपकी हड्डियों में जान नहीं आएगी, वो कैल्शियम का अवशोषण ही नहीं होगा। तो जब भी डॉक्टर आपको कैल्शियम लिखता है, ध्यान दीजिएगा, वो आपको एक विटामिन डी का भी कोर्स करने कहता है, वो आपको कुछ लिक्विड में या कुछ सैशे में विटामिन डी देता है, और फिर उसके साथ साथ आपको हफ्ते में एक बार खाना होता है, उस तरह से आपका विटामिन डी का पूरा कोर्स होता है। ठीक है, जैसे पढ़ाई में कोर्स होता है ना, इसी तरह से हमारे पास दवाइयों में भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी को ज़रूरत ना पड़े दवाइयों के कोर्स की, आप लोग नेचुरली इतने अच्छे डाइट पे रहिए। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? भाई, अब अगर के की कमी होती है तो आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, एक बीमारी होती है होमोफीलिया। हालांकि ये अनुवांशिक होती है, बट स्टिल बहुत से लोगों में अनुवांशिकी की वजह से नहीं, अगर उनमें विटामिन के कम हो जाता है तो उनको भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, अगर आपके एक बार खून बहना शुरू हुआ तो वो बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, उसमें थक्का नहीं जमेगा, थक्का नहीं जमेगा तो वो गाढ़ा नहीं होगा और रुकेगा नहीं, वो तो बहुत रिस्की होता है। तो रक्त का थक्का देरी से जमना या बिल्कुल ना जमना, ये विटामिन के की कमी का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है? देखिए, एक चीज और करिएगा, एक काम लिस्ट बनाइएगा आज, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को सारे विटामिन का नाम लिखिएगा, ए बी सी डी ई के जितने भी हैं, उसके बाद उनके रासायनिक नाम उनके आगे जरूर लिखिएगा। बी के तो आपको बहुत पूरे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा दुख होगा क्योंकि बी में 8 घटक हैं, 8 हो गए अलग अलग रासायनिक नाम, बट जब 2-3 बार अपनी हैंड राइटिंग को पढ़ोगे, नोट बना हुआ पढ़ोगे, तो वो याद हो जाए। अब जैसे कि टोकोफेरॉल को कुछ नहीं, सिंपली विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, कभी कभी विटामिन ई ना लिख के टोकोफेरॉल लिख देता है, तो उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल। किस विटामिन को बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? मतलब ये कह रहा है कि इसकी कमी से आप जो है महिलाएं जो है वो प्रजनन क्षमता उनकी कम हो जाती है, बंध्यता हो जाता है, और अगर आप उसका पर्याप्त मात्रा में आप उसको ले रहे हैं तो आपको इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। तो विटामिन ई, जब भी आप देखिए, जितनी भी वीमेंस होंगी उनको पता होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनको किसी भी किस्म की, गायनी के पास जाती हैं आप लोग, तो विटामिन ई जरूर लिखती हैं वो लोग साथ में, ठीक है। तो ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए, कहते हैं सौंदर्य के लिए भी विटामिन ई बहुत जरूरी होता है, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बरकरार रहती है, जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो भाइयों बहनों, आप लोग भी अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए विटामिन ई ले सकते हैं। आखिरी और सेशन का अंतिम जो है क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नहीं, वही पूछ रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को हिंट दे दिया था। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछ रहा है भैया, तो जिन्होंने भी बोला है कि साइनोकोबाल्मिन, मैम तो बिल्कुल सही है, साइनोकोबाल्मिन आपका जो है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन की क्या अहमियत है। अब जाके जल्दी जल्दी अपने रोज के खाने को देखिए, चेक करिए कि आप कितना विटामिन छोड़ रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना अधिक ले रहे हैं। वैसे अधिक तो आज के ज़माने में कोई नहीं लेता है, लोगों की प्लेट जो है वो भरी तो बहुत होती है मल्टीपल खाने से, लेकिन देखा जाए तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, सीधा सिंपल फॉर्मूला है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, विटामिन लेते रहिए। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग शेयर किया करिए, फीडबैक दिया करिए, और चैनल को जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।